हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, कल रात को मैं व्लॉग को एंड करना मैं भूल ही गई थी, और आज हम लोग रुके हैं ऋषिकेश में, क्योंकि पहाड़ों से आधी रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, तो उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, तो इसलिए हम लोग रुके ऋषिकेश में। तो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ अपना होटल। रात को मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, आते ही हम लोग होटल में बस सो गए थे, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। और गाइस, आज है सूरज जी का जन्मदिन, रात को हम लोगों ने विश भी नहीं किया था, तो आज हम लोग घर पहुंचेंगे तो उनका जन्मदिन जरूर मनाएंगे। और गाइस, चलिए मैं आपको अपना होटल दिखाती हूँ। ये अटैची मेरी खुली हुई है अभी, क्योंकि मैं नहा करके निकली हूँ, कपड़े निकाले थे मैंने, और नीचे सूरज जी ने अपने मैट्रेस भिजवाया था। वो कहते हैं मैं फंस फंस के नहीं मैं सो सकता इधर। मैं भी जस्ट नहा करके आई हूँ गाइस, और कल रात को देखिए आर्यन ने क्या किया, कॉफी बना रहा था और नीचे से सारी केटल में से वो निकल गई कॉफी। ये देखिए क्या हाल हो गया। तो गाइस, सारे के सारे नीचे जा चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, नीचे बफे लगा हुआ है, और मैं आप सबको मिलवाती हूँ नीचे चल करके। और आज है सूरज जी का जन्मदिन, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हैप्पी बर्थडे सूरज जी। ये लगा हुआ है गाइस इधर बफे। फ्रूट्स सैंडविच क्या है, आलू है, हाँ जो भी है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वाह, कॉफी टोस्ट मक्खन वाले वो भी चॉकलेट और मैं दिए पूरी भाजी। सो गाइस, मिलते हैं आप सबसे खाना खाने के बाद। तो गाइस, मैंने अपने लिए लिया है आलू सैंडविच, पोहे, पूरी मेरी अभी आ रही है, और कॉफी भी मेरी अभी बन रही है। तो गाइस, हम लोग ऊपर आए हैं, आर्यन पूल में नहाने आए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ज्यादा गहरा तो नहीं है, राधे आराम से। ओ पागल सा, डर क्यों रहे, कर ऐसे ना पता नहीं क्या हो गया, डूब ही गया वो। भाग्य को देख कितनी सही स्विमिंग कर रहा है। भैया भैया भैया, मैं हूँ। मेरे को ये लगता है अब बाहर क्यों आ गया, वो भी पूल है क्या? नहीं उधर नहीं है, उधर इसी साइड करो बस। ऐसे करो, पैगे इसके दोनों हाथ पकड़ के इसको आगे लेके चल। नहीं मामा, नहीं वो देख, चाचू को देख, चाचू को देख, यहाँ आ गए शेर बंदे। अरे आप भी नहीं कर पाए।
भागे कर लेते सही मैं पकड़ूं। ये क्या हो रहा है? उई 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 डुबोना मत, डुबोना मत राम भी, मुंह अंदर मत करना बस। हम तो करा रहे हैं। पानी टेढ़ा हो रहा है। अंदर ही नहीं घुस रहा, डर रहा है। गाइस मौसम देखिए, लेवल को ज्यादा फर्क नहीं है। कैमरे में आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा, वैसे पूरे बादल ही बादल छाए हुए हैं। राधे तो डर रहा है यार। राधे क्या हो गया तेरे को? अरे मुंह पर रखो, मुंह पर फिर वहां से यहाँ तक कवर तो होता ना, हम तो जंप मार के भी हो जाता। मम्मी आ जाओ, मुँह के ऊपर पानी आ रहा है सारा। अरे यहाँ पर मेरे को हाथ पता है, मुझे पता है, मैं भी पता हूँ। आगे नहीं, रहने दो, पानी डालो।
चलेगा। अबे आजा नीचे तो बैठा, नीट उड़ा तू। इतना तो इधर तेरा दे। अरे इसको वहाँ लेके चलो। मेरी बात सुनो, सुनो। आप खड़े हो ना राधे? अच्छा सुन सुन, अब तू खड़ा कर दूसरा। हाँ मैं इधर नहीं जाना, मैं क्या तो खेल रहा है। अच्छा तू चल, एक मिनट छोड़ो, तुम सब छोड़ो। आज पकड़ में चल गया वहाँ पे, तू चल गया, चल गया वहाँ पे। कितना डूबेगा? डूबेगा मतलब ही नहीं डूबेगा। नीचे जा रहा तू, बस चले गए नीचे। छोटा तुझे पानी गंदे पानी चल जाएगा पीछे से। अरे टैंको में प्रॉब्लम है, कूदना मत। कूदना तो वैसे भी नहीं है, कहीं नहीं, जगह नहीं है कूदने वाली। वो बच्चे वो भी नहीं कूदना चाहिए हमको। अरे बस सूरज जी आ गए। मैं बताऊं नहीं डालना। मैं तो डाले ये तो चोर खोला हुआ है। सूरज जी भी तैयार है स्विमिंग पूल में कूदने के लिए। नजारा कितना अच्छी है, नजारा कितना अच्छी है। वो पहाड़ भी जाओ कल वहाँ से अराज में आए। भाग्य की इतनी ज्यादा वीडियो बन गई। अरे वो एक मैंने डाली गया मैं तो मतलब की हटा देता हूँ। मुंह मत भाइयों, मुंह मत डुबाना बस। राधे कुछ नहीं, हम खड़े हैं ना, कुछ तो डर रहा है। अरे ऐसे ऐसे आया किस लिए, फिर मजा नहीं लेगा। क्या
सिर पे सिर पटकेगा क्या हुआ अब बैठी बंदे 100% राधा की हो रही है सही स्विमिंग है राधा वो भाई क्या हो गया जंप मारी सूरज जी ने स्विमिंग पूल के अंदर मैं तो ऐसे कर रहे हैं तो कोई गंगा जी में डुबकियां मार रहे हैं ये पड़ा हुआ यार इधर ही देखो क्या स्टैंड है मैं तो दिखाता हूं अरे ले जाओगे अरे राधे को तो मैं ले जाऊंगा मुझे मत उठाओ तुझे तो उठाना है मुझे तो उठाने की उसमें भी अरे 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 गाइस होटल होटल के ऊपर पुल और पुल में हम और ले रहे हैं पानी का मजा इस मौसम में आप भी आओ बहुत मजे लो बहुत आनंद बहुत पहाड़ों पे थे और आज यहाँ पर है पहाड़ों पे ऋषिकेश में कल बद्रीनाथ में थे वहाँ पर जो मजा आया जो भगवान ने आनंद दिया उसको कुछ नहीं लगता गाइस बद्रीनाथ का व्लॉग अपलोड कर दिया है वीडियो को पूरा देखिए स्किप मत करिए आगे शेयर भी जरूर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक जरूर करना वीडियो को अब पापा है ना पापा को इधर को डूबने देंगे जो डर रहे गाइस मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ आर्यन और आर्यन के पापा ऊपर पूल में नहा रहे हैं और मैं यहाँ पर देख रही हूँ हमारा व्लॉग ये है गाइस हमारा व्लॉग देवप्रयाग से बद्रीनाथ तक का आप भी पूरा देखिए और आगे शेयर ज़रूर करिए गाइस मेरे साथ यार एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई मेरा मूड इतना ज़्यादा ऑफ हुआ यार उस वजह से मैं बता नहीं सकती यार अब अब लोगे मत बता तो गाइस मैंने जो व्लॉग बनाया था दिल्ली से लेकर के देवप्रयाग तक का वो व्लॉग ही मेरा डिलीट हो गया मैं अपलोड कर रही थी नेट की इतनी ज़्यादा दिक्कत थी ऊपर नेटवर्क ही नहीं थे बिल्कुल भी तो वो व्लॉग मेरा डिलीट हो गया अपलोड ही नहीं हुआ सारा मूड ऑफ हो गया इतनी मुश्किल से मैंने यार वो वीडियो बनाई थी और इतना अच्छा व्लॉग था ना वो वाला यार बहुत ही अच्छा व्लॉग था सारा मूड ऑफ हो गया तो गाइस अब मैं ना
इन दोनों के ना कपड़े निकाल देती हूँ, फिर दोनों ना हालेंगे नीचे आकर के दोबारा से, फिर उसके बाद अटैची पैक करूंगी, फिर 12 बजे इधर से चेकआउट कर देंगे रूम, फिर निकलेंगे हम लोग दिल्ली के लिए। देखते हैं हरिद्वार अगर रुके तो। मेरे को ना यार माता रानी के लिए ना गंगा जल लेना था, जैसे मैं माता रानी को नहलाती हूँ ना तो उस पानी में ना मैं गंगा जल थोड़ा सा ऐड करती हूँ, तो मुझे गंगा जल खत्म हुआ पड़ा था, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं इधर से गंगा जल लेते हुए जाऊँ माता रानी के लिए। बाकी देखते हैं हरिद्वार में रुकते हैं कि नहीं रुकते, रुकेंगे तो मैं आपको गंगा जी के दर्शन जरूर कराऊंगी। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस मैं अब आपको बताऊंगी कि बद्रीनाथ इस मौसम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको यही राय दूंगी कि अभी आप बारिशों के टाइम पे तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि गाइस हम लोगों को इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड्स मिली है। हमने 3-3 घंटा 2.5 घंटे हम लोगों ने इतना वेट किया था लैंडस्लाइड की, कब वो क्लियर करेंगे रास्ता तब हम चलेंगे। उस वजह से पहाड़ों पे हमने रात रात को भी गाड़ी चलाई, बहुत लेट हो गया था और सारे रास्ते खराब थे। जगह जगह पे कुछ कुछ रास्ते साफ भी थे और आगे कुछ कुछ रास्ते बहुत ज्यादा खराब थे गाइस, बिल्कुल पत्थरों के ऊपर से गाड़ी चलानी पड़ रही थी और साइड में बिल्कुल खाई थी, जमीन वगैरह सारी टूटी पड़ी थी गाइस, और ऊपर से इतना खतरा था कि कभी भी पहाड़ टूट के नीचे आ सकता था, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। पूरे ही रास्ते खराब थे। और पता क्या, आधे मुझे तो ये लगता है कि पहाड़ इस वजह से भी गिर रहे, क्योंकि वहां पर ना मैंने कई जगहों पे देखा कि पहाड़ों को काटा जा रहा था, पहाड़ों को काटने की वजह से भी गाइस लैंडस्लाइड हो रही थी मुझे जहां तक लगता है। बाकी आप कभी जाओगे तो आप भी देखना कि पहाड़ों को वो लोग काट रहे हैं, और मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया। तो गाइस व्लॉग को पूरा देखना और आप रास्ते जरूर देखना कितने ज्यादा खराब है। और अगस्त के मंथ में तो बिल्कुल भी मत जाना, प्लीज मत जाना। रश तो आपको नहीं मिलेगा, मंदिर में खुले दर्शन भी आपको बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे, बट रास्ते में जो आपको दिक्कतें आएंगी उसका सामना आपको करना पड़ेगा गाइस, बहुत ज्यादा रास्ते खराब थे। हमारी तो गाड़ी भी फंस गई थी, उधर से निकल ही नहीं पा रही थी, हमारी गाड़ी के जो पीछे वाले जो टायर है ना उसमें आग तक लगी थी। मैं उस टाइम में व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं डर ही गई थी इतना ज्यादा, हम लोग सब डर गए थे। हम लोग उतरे गाड़ी से तो किसी तरीके से जीजू ने हमारी गाड़ी आगे करके काफी तेज की रेस दी तो आगे लेकर गए, हमें तो लगा था आज हम गए खाई के अंदर सीधा, बहुत ज्यादा वो डरावना सीन था। मतलब की हम लोग चेकआउट कर दिया है होटल, हम लोग निकल रहे हैं अब दिल्ली के लिए, पहले लेंगे माता रानी के लिए गंगा जल लेना है। इसको देखो टॉप अप आके घूमे जा रहे हैं। ये था गाइस हमारा होटल जो हमने चेकआउट कर दिया है, इवाना ऋषिकेश के नाम से। जय गौ माता, जय गौरी गोपाल। इसको देखो गर्मी हो गई है, ऋषिकेश में है अब, बद्रीनाथ में तो बहुत ठंड थी, यहाँ पे गर्मी है बहुत ज्यादा। यहाँ से निकलेंगे गाड़ियाँ पार्किंग से, बाहर गौ माता खड़ी है। हम लोग निकल पड़े हैं गाइस अपने होटल से, चेकआउट कर दिया है, अब निकलेंगे सीधा दिल्ली के लिए, पहले लेंगे गंगा जल माता रानी के लिए। गाइस हम लोग रुके हैं बर्गर किंग बर्गर लेने के लिए, ये आ गया हमारा बर्गर पेप्सी। फॉरनर्स बैठे हुए थे वहाँ पे है ना, ये ले इशू गलत इशू इनमें फोटो भेज दियो, इशू तो अपने मरे वो फोन दे दे अपना जरा।
कौन से वाला लिया है? नॉर्मल सारे। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा जी के पास और यहां से भरेंगे हम लोग गंगा जल। आप भी दर्शन करिए गंगा मैया के। गाइस मैंने लिया है ये वाली थर्मस, तो ये पूरा भर के लेके जाएंगे माता रानी के लिए जल। ये देखिए गाइस गंगा जल के आप दर्शन करिए गंगा जी के। जय गंगा मैया, हर हर गंगे। हर हर गंगे, बीच में चले जाओ। जय माता दी, जय माता दी। माता रानी को मैं बोल के आई थी गाइस कि मैं आपके लिए गंगा जल भर के लाऊंगी। जय माता दी। हर हर गंगे, पूरा भर लिया। पूरा घाट खाली पड़ा हुआ है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। सूरज जी का जन्मदिन आज है। हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। ये बहुत गर्मी है, तभी मैंने टोपी उतार दी और जो हमने अभी पैर डाल रहे हैं पानी में ठंडा कितना भी। और गंगा जल मैंने रख दिया है पीछे। हरिद्वार में क्रिस्टल करके एक मॉल है गाइस, हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हर तरह के कंपनी के आपको खाने पीने की शॉप्स मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छी जगह है। आराम से आप एसी में कंफर्टेबल होकर के बैठ सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है। पार्थ ने लिए अपने लिए थाली, नैना दी और ज्योति दी ने लिए अपने लिए दही भल्ले और मैंने अपने लिए थोड़ा सा सांभर लिया है गाइस कोली में, और राम भैया ने लिए पाव भाजी और कोल्ड के कैंस आ चुकी हैं। मेरे आ चुके हैं दही भल्ले गोलगप्पे। सूरज जी ने लिए अपने लिए पिज्ज़ा। आर्य ने लिए अपने लिए चिली पोटैटो। अब आ गई है आइसक्रीम की टर्न। अब हम सब लेंगे आइसक्रीम्स। मैं तो लूँगी सॉफ्टी या तो फिर कुल्फी। आप सबको गाइस इन सब में से क्या अच्छा लगता है कमेंट में बताओ। हेलो काटो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो भैया, चलो ये लो। हेलो रोज वही मेरी शाम।
यहाँ पे कितना रश होता है, बाबे भापे द होटल, पर छोटा होता है। हम आए गाइस राजीव चौक भापे के ढाबे पे। गाइस कितनी छोटी छोटी थम्स अप गाइस। हम लोग फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं और घर पे पहुंचते ही सूरज को आया है इस्कॉन वालों के तरफ से एक केक, और अब काटने जा रहे हैं सूरज केक। काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सूरज नहीं गट्टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और गाइस केक हम पता कितने बजे कटवा रहे हैं, 12:15 बजे, क्योंकि हम लोग पहुंचे ही 11:30 बजे है घर पे। हेलो जी, ये लो पकड़ो। चलो मैं खिलाने लगी थी। तो गाइस मैं इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। और सूरज जी की मम्मी जो है वो सूरज जी के लिए लेकर के आई है टी शर्ट, मैं आपको दिखाती हूँ पहले, फिर उसके बाद व्लॉग को मैं एंड करूंगी। वाओ गाइस, हम जैसे घर पर के आए मम्मी ने इन्हें सरप्राइज दिया, टी शर्ट लेकर के आए हैं सूरज जी के लिए। बहुत ही अच्छी टी शर्ट है जो सूरज जी को भी पसंद आई और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आई, और मुझे आज तक कभी गिफ्ट नहीं मिला मेरे बर्थडे पे।